मध्य प्रदेश विधानसभा के चार दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत आज हंगामेदार रही। कांग्रेस ने भाजपा की प्रदेश सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए इस पर विधानसभा में जमकर शोर शराबा किया। 12 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में मिल्खा सिंह समेत दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दिए जाने के दौरान ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। गौरतलब है कि आज आदिवासी दिवस है, वहीं इस मौके पर सरकार ने ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस सामान्य अवकाश घोषित किए जाने की मांग कर रही है। सामान्य अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल रविवार को राज्यपाल से भी मिला था। कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार तार कर दिया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया है, जनजाति आदिवासी नेताओं का अपमान किया है। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं और जिनको हम श्रद्धांजलि देने वाले थे उनमें बहन सुश्री कलावती भूरिया जी, सूरजवान सोलंकी जी, रामराव कवरेती जी, लक्ष्मण राम जी, ये सब ट्राइबल लीडर थे। लेकिन भ्रम फैलाने के लिए, घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए, ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है, घटिया सोच है।